प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्टर मीट के रूप में निवेश के लिए अच्छी पहल की गई है। इंडस्ट्री के मामले में देखें तो हिमाचल इसमें पिछड़ा है। प्रदेश में ऐसी इंडस्ट्री आनी चाहिए जिसका राजस्व बाहर जाने के बजाय प्रदेश को मिले। ये बात इन्वेस्टर मीट में आए माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर एंड इन्वेस्टर योगेश कोचर ने कही। होमस्टे को बढ़ावा देकर प्रदेश में राजस्व कमाया जा सकता है। योगेश ने कहा कि जीएसटी के चलते जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाली इंडस्ट्री है उन इंडस्ट्रीज को अवॉइड करना चाहिए और जिन इंडस्ट्रीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां से मिल जाता है तो उन इंडस्ट्रीज को यहां लाना चाहिए। जहां तक टूरिज्म का सवाल है, हिमाचल इतना सुंदर है और मनोहरम जगह है जहां पर घर घर में गांव गांव में एक होम स्टे की परंपरा चालू की जाए तो बहुत लोग हैं जो कमाई के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें यहीं पर काम मिल सकता है और यहां आने वाले पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। छोटे छोटे गांव में होम स्टे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो बाहर से आकर भी लोग इस दिशा में कदम उठाएंगे। योगेश ने कहा कि कई ऐसी एजेंसियां हैं जो लोगों को होम स्टे संचालन के संबंध में ट्रेनिंग दे सकती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर के एक कमरे को कम से कम खर्च करके होम स्टे के लिए सजाकर इस कारोबार में जुट सकता है। जो सजावट इस तरह से की जाए कि पहाड़ी संस्कृति की झलक देखने को मिले जिससे पर्यटक होम स्टे में ठहरने को आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि यदि इन्वेस्टर में टूरिज्म के साथ होम स्टे को भी प्रमोट किया जाता है तो इससे भी अच्छे परिणाम सामने आ सकते थे। देव समाज के नाम पर सिरकाघाट मंडल में वृद्ध महिला को डायन बताकर उसके साथ किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार की घटना की सर्व देवता कमेटी ने कड़ी निंदा की है। सर्व देवता कमेटी ने कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में मंडी में आपात बैठक की। इस बैठक में देव समाज के नाम पर वृद्ध महिला के साथ किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार की बैठक में मौजूद कमेटी के सभी सदस्यों ने घोर निंदा की और एक प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन व सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा सर्व देवता कमेटी ने सरकार व प्रशासन से ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की जो देव समाज के नाम पर ऐसे घटिया व क्रूरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए श्रद्धा कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने कहा कि देव समाज प्राचीन आस्था और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी देवता इंसान को ऐसी क्रूरतापूर्ण हरकत को अंजाम देने की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि देवी देवता आस्था का प्रतीक हैं और अपने आप में सर्वोच्च शक्तियाँ हैं जो उसमें गलत कार्य करने वालों को दंडित करते हैं मगर उसका किसी को आवास नहीं होता। बेटे की प्रांत सर्व देवता कमेटी ने जिला प्रशासन को बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सर्व देवता कमेटी ने जिला प्रशासन व सरकार से सरकाघाट प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस अवसर पर सर्व देवता कमेटी के सभी पदाधिकारियों व देवता के कारदार मौजूद रहे। सुजानपुर के चमियाना से पटलांदर मेन बाजार तक गांधी संकल्प पदयात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देश भर में पूजनीय स्वर्गीय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। ये कार्यक्रम सुजानपुर के मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये पदयात्रा लगभग 2 किलोमीटर की रही। संकल्प यात्रा में लगभग 250 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाषण के दौरान मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि भाजपा अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा कर रही है, चाहे वह ट्रिपल तलाक हो या धारा 370 और 35A का खत्म होना हो और वो अब तो भारतीय जनता पार्टी का सालों से रहा सपना राम मंदिर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 जजों ने एक तरफा फैसला सुनाया, वह राम मंदिर का सपना भी जल्द पूरा होगा। संकल्प पद यात्रा कार्यक्रम में सुजानपुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष
कैप्टन रंजीत सिंह, महामंत्री पवन शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र ठाकुर, जिला परिषद बीना कपिल, महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजना ठाकुर, चमियाना ग्राम प्रधान बीना देवी, पटलांदर प्रधान शर्मिला राणा, चबूतरा प्रधान डॉक्टर ओमकार, री पंचायत प्रधान विनय ठाकुर, सपहार प्रधान पृथ्वी चंद, भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।